सलमान खान की फिल्म आगे बढ़ी तो ऋतिक रोशन ने ली राहत की सांस। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 अगले वर्ष 25 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए यह मान लिया गया है कि यह फिल्म इस दिन रिलीज नहीं हो पाएगी। इससे ऋतिक रोशन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनकी फिल्म सुपरतिस भी इसी दिन रिलीज होने वाली थी। अब यह टक्कर टल गई है। सलमान खान हाल फिल्म रेस 3 की शूटिंग कर रहे हैं, इसके बाद प्रमोशन में व्यस्त रहेंगे। फिर टीवी शो 10 का दम की शूटिंग शुरू हो जाएगी। सलमान के पास इतने काम है कि वे खुद ही अपने काम नहीं संभाल पा रहे हैं। सलमान रेस 3 के बाद दबंग 3 और भारत फिल्में करने वाले थे। इसके अलावा उनके पास टीवी रियलिटी शो 10 का दम सीजन 3 भी है। इसमें सबसे पहले वे भारत की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके निर्देशक प्रभु देवा के साथ दबंग 3 की शूटिंग शुरू करने वाले थे। इसकी तैयारी के साथ ही इसकी रिलीज डेट भी तय हो गई थी, लेकिन अभी फिल्म शुरू तक नहीं हुई है। खबर के मुताबिक फिल्म दबंग 3 अगले वर्ष 25 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि रिलीज जनवरी में हो पाएगी। सूत्र के मुताबिक सलमान खान के रेस 3 और 10 का दम में व्यस्त हैं। इसकी वजह से दबंग 3 अभी तक फ्लोर पर नहीं गई, जबकि इसकी रिलीज अगले वर्ष जनवरी में होना थी। साथ ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन में भी बहुत वक्त लग रहा है। अब इसकी शूटिंग 14 सितंबर से शुरू होगी। दबंग 3 में इस बार भी सलमान खान यानी चुलबुल पांडे होंगे। यह कहानी हीरो के चुलबुल होने की कहानी बताएगी। इसमें सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान भी होंगे। इस बार फिल्म को प्रभु देवा निर्देशित करेंगे।